हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ड्रैगन फ्रूट हार्वेस्ट करने जा रहे हैं। इस साल का पहला हार्वेस्ट, 2021 का ये पहला हार्वेस्ट होगा हमारा। और जैसे आप लोग देख रहे हैं, 10-12 ड्रैगन फ्रूट है जो मैं अभी हार्वेस्ट करने जा रहा हूँ। तो हार्वेस्टिंग का तरीका और हार्वेस्टिंग के बाद फ्रूट्स का साइज़ और कैसा हार्वेस्ट रहा इस बार का, मैं ये आप लोगों को दिखाऊँगा। इस बार के हार्वेस्टिंग में मेरे दो हेल्पर, ठीक है, अधिश्री एंड रियांशी, इन दो ये दो मिलके मेरा हार्वेस्टिंग में मुझे हेल्प करेंगे। वन टू थ्री इधर इधर नो फ्रूट्स काफी सॉफ्ट एंड टेंडर हो गए हैं। परफेक्ट टाइम है हार्वेस्टिंग का। ड्रैगन फ्रूट हार्वेस्टिंग के टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि फ्रूट्स को आप ज़्यादा सॉफ्ट होने मत दीजिए। अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो गए तो यहाँ से क्या होता है कि क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर क्रैक होना स्टार्ट हो जाए तो उससे पहले पहले ही आपको हार्वेस्ट कर लेना है, ताकि फ्रूट्स थोड़ा सा हार्ड रहे, जो कि काटने में भी ईजी रहता है। और क्या होता है कि जो सॉफ्टनेस की वजह से जो पिघल जाता है चीज़, वो चीज़ आपके साथ नहीं होगा। लो रियांशु, देखिए दोस्तों, मैं इस चीज़ के बारे में बोल रहा था कि अगर आप हार्वेस्टिंग में डिले करेंगे तो ये क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। वो फल फटने लग जाएगा, फिर यहाँ पर चीटी वगैरह जाना स्टार्ट कर देगी। तो ये क्रैक्स आने से पहले पहले आपको हार्वेस्ट कर लेना है। गाइज, ये जो है ये प्लांट मेरा नया है, और इस प्लांट का जो पहला फ्रूट है वो है, दिखाता हूँ आप लोगों को, ये है। और इसका भी हार्वेस्टिंग का टाइम हो चुका है, अभी मैं इसको भी हार्वेस्ट कर लूँगा। ये जो प्लांट है नया है, और ये प्लांट मोटा मोटी 9 महीना पुराना है। पिछले साल मैं इस प्लांट को लगाया था, तो और ये पहला एक ही फ्रूट आया है, और काफ़ी सारे बर्ड्स हैं।
जो 2 महीने में और भी फ्रूट्स आ जाएंगे इसमें। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा इस साल का पहला हार्वेस्ट ड्रैगन फ्रूट का। पहले हार्वेस्ट में आपका 9 फ्रूट्स आए और अच्छा हार्वेस्ट हुआ है। तो उसमें से 8 तो एक ही प्लांट में आया था जो मेरा पुराना प्लांट है, और नया प्लांट में एक आया। नया प्लांट में और भी बर्ड्स है जो कुछ दिन बाद, महीना डेढ़ महीना बाद और भी आएंगे। पुराना प्लांट्स में तो ड्रैगन फ्रूट है ही जो अभी तक हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं है। तो इस साल का हार्वेस्ट काफ़ी अच्छा रहा, हेल्दी फ्रूट्स है। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी ड्रैगन फ्रूट ऐसे अपने घर पे उगा के हार्वेस्ट कर सकते हैं। मुश्किल कुछ काम नहीं है, ठीक है। और आप लोग अगर ड्रैगन फ्रूट प्लांट केयर का पूरा नॉलेज अगर चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ड्रैगन फ्रूट प्लांट केयर के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना ही। योर होस्ट साइनिंग ऑफ, टेक केयर।